भाभो वो कीड़े वाली दवा तो भाभी के पास जा बाजार जाकर ले आ और अब अगर फिर सुभी को नाम लियो तो धान के सारे कीड़े निकाल कर तनिक खा दे। मीनू भाभी का गुस्सा मारे ऊपर क्यों निकाल रहे हो बाबू? मीनाक्षी आपके पास अनाज में डालने वाली कीड़ों की दवाई है ना, जाओ जाके ले आओ। ने पीनी है तो पी ले। थारे हाथ की दवा तो मैं धान के कीड़ा ने भी कोनी पीन दूंगी। मीनाक्षी भाभो के पैर पकड़ माफी मांग लो, मान जाएंगे। गलती हो जाती है ना। थारी भाभी के जेठ से कह दे मने किसी ने पैर पकड़वाने को शौक नहीं है, अगर आज तो सूरज भी बोले तो भी मैं एक अपराध माफ नहीं करूंगी। मीनाक्षी तुम अपना सामान बांध लो, मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ के आता हूं। अंकिता शाम को 5 बजे लड़के वाले आ रहे हैं। सारी तैयारियां ठीक से कर लेना। भाभी सप्लीमेंट्री एग्जाम की हॉल टिकट आ गई है, लेने जा रही हूँ कॉलेज। अंकुर फिर एक बार सोच लो जो आप करने जा रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है संध्या की जिंदगी का इतना बड़ा फैसला बिना सोचे समझे करूंगा? संध्या की या अपनी जिंदगी का? जाने कौन से मरेगी दड़ की शकल देख। कृष्णा जी आप बस, मैं मेहमानों के लिए मिठाई लेने ही जा रहा था, आप ही बता दीजिए कौन सी ला। मिठाई लाने की जरूरत ना, छोरे की दादी जी राम जी के घर पधार गई। अब तो 2-4 महीने उनके यहां कोई शुभ काम ना हो सकेगा। अब क्या? अरे हमने तो सब कुछ आप पे छोड़ दिया था ना, अब इतनी जल्दी एक और लड़का। लोहा गरम से हथौड़ा मार दे किसका। जल्दी शादी कराने के लिए एक रिश्ता तो है हमारे पास। कौन कौन सा? वो सूरज, सूरज राठी। पर आपने तो कहा था कि वो कम। हाँ कम पढ़ा लिखा है, पर थारे को अपनी बहन के लिए दूल्हा चाहिए या कलेक्टर की किसी परीक्षा में बिठाना है? छोरा कम पढ़ा लिखा जरूर है पर इतना समझदार और गुणी है कि क्या कहने। खुद कमाता है, पूरे परिवार का बोझ अपने कंधे पर उठाए। और तो और दिल देखोगे ना छोरे का तो सोच में पड़ जाओगे, जाने कौन से युग का हीरा आके गिर गया है कलयुग। लिखवा के ले लो, थारी बहन को बहुत खुश रखेगा।